नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम देखते हैं पीपीएससी 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। दोस्तों आपको बता दें ये 2 घंटे का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये ऑप्शन है इसमें मानसून प्रकार की। और मध्य प्रदेश की जलवायु गर्म मौसम रहता है मार्च से मई में, और जाड़े का मौसम रहता है नवंबर से फरवरी, और बरसात का मौसम रहता है जून से सितंबर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सुचिता सेन थी, तो बी ऑप्शन है इसमें सही, अभिनेत्री। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था, और 17 जनवरी 2014 में इनका मृत्यु हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद, ए ऑप्शन है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बना था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो यह ऑप्शन बी सही है, सोडलपुर। ये सोडलपुर सोडलपुर कान्हा बाबा की समाधि पर लगता है मेला है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो विदिशा में है, बी ऑप्शन है इसमें। ये चौथी से पांचवी सदी में बनी थी विदिशा। छठवा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो इसमें बी ऑप्शन है खजुराहो। ये बताएं आपको कि चंदेल राजाओं ने बनवाया था 950 से 1085 ईस्वी में, और विश्व विरासत सूची में इन्हें 1986 में जोड़ा गया। चलिए अब हम देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसमें डी ऑप्शन है अगरिया। और ए जनजाति मंडला और शहडोल जिले में पाई जाती है। भारत भवन कहाँ स्थित है? आठवां क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन है इसमें भोपाल। 13 फरवरी 1982 में इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं नौवा। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आपको बताएं कि अलीराजपुर पहले नंबर पे है, झाबुआ दूसरे नंबर पे है। तो अलीराजपुर नहीं है तो इसमें झाबुआ हो सकता है। चलिए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो सेप्स, डी ऑप्शन है इसमें। ग्यारहवा देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और चेयरमैन अभी 2018 में रजनीश कुमार हैं करंट में। आपको बता दें नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और ICICI जून 1994 में बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। चलिए बारवा देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, ये बिहार में है। तेरहवा देखते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था, ए ऑप्शन सही। चौदहवा क्वेश्चन देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में, डी ऑप्शन है इसमें। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, सी ऑप्शन। और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लिया। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बी ऑप्शन है इसमें, त्रिस्तरीय 1957 में। और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का शेर जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स को।
चलिए अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, बी ऑप्शन है उसमें। आंध्र प्रदेश के एक नेता हुआ करते थे पुट्टी श्री रामल्लू। इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 में अनशन पर बैठ गए, भाषाई आधार पर अपने राज्य की मांग कर रहे थे, तो इनकी मृत्यु हो गई अनशन पर बैठने के कारण। तो 1 नवंबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। चलिए अब हम देखते हैं 19वां, निकोली कोंटी कौन था? तो इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, बी ऑप्शन है। वो जे देव राय प्रथम के काल में आया था। अब 20वां देखते हैं, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड्स, ये लंदन में है। 21वां देखते हैं, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो ए ऑप्शन है 1900 में पेरिस में। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, चटगांव आर मरी रेड से इसमें से कौन संबंधित था? तो सूर सेन थे, ए ऑप्शन सही है इसमें। और 12 जनवरी 1934 में फांसी दे दी गई थी सूर सेन साहब को। 23वां देखते हैं, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1945 में, डी ऑप्शन सही है इसमें। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन है इसमें, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, बी ऑप्शन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 25वां, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है इसमें नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, योजना आयोग को स्थापित करके। 26वां देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई? तो इसमें डी ऑप्शन है धारा 2A। आपको बता दें ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ, इसमें 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये पूरे भारत में लागू होता है बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश किस की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो डी ऑप्शन है इसमें बांग्लादेश, इसकी लगती है 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की लगती है 80 किलोमीटर सबसे कम। और अब बांग्लादेश से मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। 28वां देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है अनाई मुड़ी, आपको यहाँ एक केरल में स्थित है पश्चिमी घाट श्रेणी में, और दोधा बेटा है ये तमिलनाडु में, और गुरु शिखर ये राजस्थान में, और महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसमें बेहद हिमालय पीर पंजाल, डी बी ऑप्शन सही है। 30वां देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक, इसमें सी ऑप्शन है दोस्तों। आपको यहाँ बता दें कि भौगोलिक आधार पर राजस्थान फर्स्ट नंबर पर, फिर अपना मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर जम्मू कश्मीर। और जनसंख्या के आधार पर बता दें यूपी पहले नंबर पर, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। चलिए 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बेरन, ये ऑप्शन सही है इसमें, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 1787 में सर्वप्रथम इसमें विस्फोटक हुआ था, ये अंडमान निकोबार में स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में। अब 32वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन है मत्स्य पालन।
वो आपको बताने खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, और मांस एवं टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। 33वां देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, ए ऑप्शन। 34वां देखते हैं, हुद हुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ए ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश। और ये राहत बात। चलिए 35वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर नहीं है, तो डी ऑप्शन बी ऑप्शन है राणा प्रताप नदी पर है, तो बी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, और ये राउत भाटा राजस्थान में स्थित है। अब देखते हैं 36वां, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पर्वत तारंगगढ़ शिवगढ़ है, तो बी ऑप्शन है इसमें कोची कोचीन। 37वां देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ए है सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। 38वां देखते हैं, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेटलैंड परिणाम है, तो ए ऑप्शन है अवनलिका अपरदन का। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 1985 में, डी ऑप्शन है इसमें। यहाँ बता दें कि राजीव गांधी ने इसका गठन किया था, और 1985 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजन बना है, और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। 40वां देखते हैं, साइन लैंड वैली योजना परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से है, ये 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। चलिए अब 41वां देखते हैं, भारत की स्वीडन चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ये ऑप्शन सही है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को, और इसकी कुल लंबाई 5486 किलोमीटर है, शुरुआत 2001 में हुई थी इसकी। अब देखते हैं 42वां, आलू एक है, आलू है एक, तो कंद है, सी ऑप्शन है इसमें। 43 देखते हैं, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो सी ऑप्शन है हेलियम, हेलियम। 44वां देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बी ऑप्शन है यकृत, और यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है। चलिए अब देखते हैं 45वां, स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो डी ऑप्शन है फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। 46वां देखते हैं, सिरका सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ए ऑप्शन है। 47वां देखते हैं, मायोपिया किस अंग का दोष है, तो सी ऑप्शन है नेत्र। 48वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो डी ऑप्शन देखते हैं, डी है इसमें सही वॉट। 49वां देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन है पारा, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 50वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। 51 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। 52 क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है, तो ए ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना से। 53 देखते हैं, स्टार चेक है, तो पॉलीसेकेराइड, सी ऑप्शन सही है। 54 देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो हरित पादप पादप, डी ऑप्शन है इसमें। 55 देखते हैं, पस्तूरीकरण संबंधित है, तो दुग्ध के निर्जमीकरण से, ये ऑप्शन सही है, और इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। अब 56 देख लेते हैं, ओजोन छिद्र का कारण है, तो क्लोरो क्लोरो कार्बन, सी ऑप्शन है इसमें। 57 देखते हैं, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, इसे MPPSC ने काउंटिंग नहीं किया था, हटा दिया था क्वेश्चन को कट ऑफ में। राजेंद्र सिंह के बारे में बता दें हम आपको कि इन्हें 2001 में रेमन मैगसेस पुरस्कार मिला,
और 2018 के रेमन मैक्सेस पुरस्कार के बारे में बताने सोनम वांगचुक को और भरत बाटवानी को मिला है। चलिए अब हम 58 क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के पीड़िता पीड़िता कौन थे? तो इनमें डी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन सुंदर लाल बहुगोड़ा भी इससे सम्मिलित थे। 1973 में हुआ था और 1982 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला था ना चंडी प्रसाद भट्ट जी को। चलिए 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जी 1767 में बना था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग एवं मानचित्र का काम था इसका। 60 बार देखते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972, ए ऑप्शन है इसमें। इसमें बता दें 66 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं 1972 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। अब 61 बार देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। 62 देखते हैं। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बी ऑप्शन है आयकर विभाग द्वारा। 63 देखते हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? तो ताजमहल, सी ऑप्शन है इसमें। 27 अक्टूबर 2015 को ये देखा था ताजमहल इसमें। 64 देखते हैं। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन है अंटाल्या तुर्की में। अब 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है, सी ऑप्शन है, बाकी तीनों है। 66 देखते हैं। द किला इन स्टेक्ट का लेकर है तो ओपी सबरवाल है, सी ऑप्शन है इसमें ओपी सबरवाल। आपको सबरवाल के बारे में बता दें, इनकी 4 पीढ़ियों से लगभग 100 वर्ष से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारतीय सेना में। 67वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो बी ऑप्शन है INS सिंधु रक्षक। 68वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में एक नहीं है? तो कनाडा नहीं है, इसमें 5 देश हैं ब्राजील रूस भारत चीन दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अब 69वां देख लेते हैं। इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो ए ऑप्शन है सुबी गोकरण। अब 70 देख लेते हैं। 2017 का शूटिंग विश्व कप होगा? तो ये सी ऑप्शन भारत में। 71वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। 72वां देख लेते हैं। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो सी ऑप्शन है केंद्रीय जांच आयोग CBI। 73वां देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो 1961 में, बी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में। आपको इसके बारे में बताया कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2006 से लागू की गई थी और 2 अक्टूबर 2009 में इसका वर्तमान नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया। क्षेत्रवाद 75वां देखते हैं। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदौर में है, ए ऑप्शन सही। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है? तो ए ऑप्शन सही है, 2.7 करोड़। और इसका बता दें मध्य प्रदेश की लैंग अनुपात है 931, जनसंख्या घनत्व है 236। चलिए अब 77वां देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इंदौर है और सबसे कम हरदा है। 78 देखते हैं।
तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान, ये ऑप्शन सही है। 79 बार देखते हैं, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की हुई थी, तो ए ऑप्शन है 1995। 80 बार देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के का उद्देश्य है, तो इसमें सी ऑप्शन है दोनों, ए भी दोनों, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना। 81 बार देखते हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन है इसमें से, वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव। 82 बार देखते हैं, 1024 किलोवाइट बराबर होता है, तो ए ऑप्शन है 1 मेगावाइट। 83 देख लेते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंटी की जाती है कहलाती है, सी ऑप्शन है इसमें सेल। 84 देखते हैं, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था, तो क्रोम था ये, डी ऑप्शन है इसमें। 85 देखते हैं, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है, तो ए ऑप्शन है अजीम प्रेम जी। 86 देखते हैं, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, तो बी ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम। 87 देखते हैं, स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है, ये ऑप्शन है इसमें। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो ए ऑप्शन है बाई 2। 89 देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, तो वेब कैम, सी ऑप्शन सही है। 90 देखते हैं, HTTP का पूरा नाम है, तो बी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग ट्री समिति के गठन का उपबंध किया गया, धारा 17, सी ऑप्शन है इसमें। 92वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों पर लागू होना उपबंधित है, तो सी ऑप्शन है इसमें धारा 6। आपको बता दें, STSC एक्ट 11 सितंबर 1989 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली और जे 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ, पूरे देश में लागू होता है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। चलिए अब देखते हैं 93वां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों के क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त हैं, तो केंद्र सरकार को, बी ऑप्शन है इसमें। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, तो सी ऑप्शन है इसमें धारा 18। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, तो ए ऑप्शन है इसमें महादेव पहाड़ियों। 96 देखते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो बी ऑप्शन है कैमूर। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें महादेव पहाड़ी। अब देखते हैं 98वां क्वेश्चन, ताबा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा, किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है ताबा, बी ऑप्शन है इसमें। 99वां देख लेते हैं, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो ए ऑप्शन है इसमें धुआंधार, धुआंधार ये जबलपुर में है नर्मदा नदी पे, और चचाई है जो भीड़ नदी है, और कपिलधारा और दोगधारा भी नर्मदा नदी पर बनते हैं। अब 100वां देख लेते हैं, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, तो सी ऑप्शन है मध्य भारत पठार में। चलिए आज हमने 2016 का MPSC का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कर लिया, अगले लेक्चर में हम 2017 का पेपर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।